जी सर, ये अभी एक दो दिन से जो है यहाँ पे ज़िले में ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, क्या कारण? सीहोर ज़िला ग्रीन जोन में है, सबसे खुशी की बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने ज़िले के सभी नागरिकों को, मीडिया के बंधुओं को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और प्रशासन को इस संबंध में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही जो प्रश्न आपने कहा उसके उत्तर में ये बताना चाहूँगा कि चूंकि हम ग्रीन जोन में हैं इसलिए हम ज़रा भी इसमें ढिलाई नहीं बरत सकते। हमें सावधानी रखना है क्योंकि हमारे ज़िले के सभी तरफ 6 ज़िले हैं, इनमें से 5 ज़िले रेड जोन में, हरदा को छोड़कर। तो यहाँ से जो आवागमन हो रहा है उसको लेकर के हम सतर्क हैं और इसलिए हमने 21 अप्रैल से जो व्यवस्था बनाई है उसमें केवल आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं और उसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने जो तय किया है उन्हीं को हमने छूट दी है और बाकी के लिए लॉकडाउन की वही स्थिति है। और इसके माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम 3 मई तक इसी तरह से अनुशासन का पालन करेंगे तो हम पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो पाएंगे। जी सर, ये कुछ जो है एक दो दिन से जो है ये व्हाट्सएप पे ये इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या इन लोगों पे भी कोई कार्रवाई? जी हाँ बिल्कुल, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के अभी आपने देखा होगा कि न केवल सोसाइटी में बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसे असामाजिक तत्व जो सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करना चाहते हैं और कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें, पोस्ट, मैसेजेस, फोटो, वीडियो डालते हैं जिससे किसी भी वर्ग को, किसी भी संप्रदाय को तकलीफ हो सकती है। और इसमें सबसे ख़राब बात यह होती है कि ये ऑथेंटिक नहीं होती हैं, प्रामाणिक नहीं होती हैं, झूठी जानकारियों के आधार पर भ्रामक होती हैं। ऐसे सभी मैसेजेस को हमने संज्ञान में लिया है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके द्वारा आपराधिक कृत्य माना जा करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कल इस पे मैसेज डाला था उस पर भी नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं।